परम पूज्य और गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, हम जो जीवन में चाहते हैं वो चीज हमें मिलता है और किसी न किसी भांति से मिलता है, और हम जो करते हैं वही चीज मिलता है। खास बात यह है, हम जो करते हैं वही चीज हमें मिलता है और बाहर से कहीं नहीं आता है। हमारे सामने जब भी प्रतिकूलता आती है, जब भी विपरीत स्थिति आती है, जब भी दुख दर्द आता है, जब भी हमारा माइंड खराब होता है, तब हम दूसरे को दोष देते हैं और हमको ये पता नहीं होता है कि इसका मूल हम है, इसका जड़ हम है। किसी ने गाली दिया और हम तुरंत गाली देते हैं, ये नहीं जानते हैं कि हम गाली का उत्तर गाली से दे करके हम गाली को शांत नहीं कर सकते हैं। आपस में जीवन में कुछ भी होता है, हम जो करते हैं वही चीज हमको मिलता है। यदि हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो दुख देना बंद कर दे बस। और हम क्या करते हैं जीवन में, दुख बांटते चले जाते हैं, दुख बांटते चले जाते हैं, क्या सुख मिल सकता है? आप जो बांटोगे वही चीज आपको मिलता है। आपके अंदर जो चीज रहता है वही दूसरों को बांटते भी हैं। प्रेम रहता है तो प्रेम बांटते हैं, गाली रहता है तो गाली बांटते हैं। और हर व्यक्ति के अंदर जहर भरा हुआ है और वही जहर को मार करके अमृत बनाने का काम ये सत्संग है। जो आदमी जहर को निगल जाता है और अमृत बना लेता है, अपने जीवन में अमृत का स्थान, अमृत को स्थान देता है, वह व्यक्ति महान हो जाता है। उस व्यक्ति का जीवन समर जाता है। और हम यही काम नहीं करते हैं, हम गाली का उत्तर गाली से दे करके हम अपनी में महानता समझते हैं। गाली का उत्तर गाली नहीं होना चाहिए। एक आदमी ने पत्थर मारा, हमने भी पत्थर मारा, विवाद बढ़ती चली जाती है। और जीवन में यही हो रहा है, जीवन में सफलता नहीं मिल रही है। आपस में एक दूसरे में लड़ाई शुरू हुई, एक शांत हो गए, एक तेज बोलते रहे, कब तक लड़ाई चलेगी? यहाँ पीछे लड़ाई हो रही थी, यदि एक के साथ दूसरे की लड़ाई हो रही है और वही सामने वाले चुप हो जाते तो एक कितना देर तक बोलता रहता? कुत्ता भौंकता है रास्ते पर, हाथी चलता है, हाथी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कुछ नहीं बोलता है, कुत्ता कब तक भौंकता है, शांत हो जाता है। यदि आप जीवन में सुख चाहते हैं, घर में परिवार में सुख और शांति चाहते हैं, तो आप दुख देना बंद कर दीजिए। आप अपने जीने का तरीका बदल दीजिए। आप जो कुछ करते हैं वही आपको लौट करके मिलता है। ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। और यदि आप गलत कर्म करते हैं, आपका कर्म सही नहीं है, पाप कर्म करते हैं, उसके बाद में आप लाख देवी देवता मना ले, लाख भगवान भगवती मना ले, कोई देवी देवता कोई भगवान भगवती आपके काम नहीं आएंगे। ये तो सब बाहर का खिलौना है। हकीकत कहूं तो ये जितने देवी देवता है, जितने भगवान भगवती है, ये बाहर का खिलौना है। और दूसरे शब्द में कहूं तो ये बाहर का बिजनेस है, व्यापार है, व्यापार है। यदि जीवन परिवर्तन नहीं होता है और सिर्फ हम कहते चले जाते हैं, वक्तव्य करते चले जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, मंदिर में पूजा होती है और जीवन में पूजा नहीं होती है। मंदिर में नवरात्रि आता है, नवरात्रि के समय माताजी माताजी, और घर के माताजी को बाहर किया जाता है, क्या इससे जीवन बदलेगा? मंदिर में पूजा चल रही है, भगवान सब कुछ दे रहे हैं और दुर्भाग्यवश घर में सब विभिन्न बने हुए हैं। संपत्ति तो बढ़ रही है, क्या प्रेम भी बढ़ रहा है? संपत्ति तो बढ़ रही है, क्या आपस का इसने भाई और भाई आपस में प्यार से बात कर पाते हैं? देरान और जेठान आपस में प्यार से बात कर पाते हैं? और नहीं कर पाते हैं तो आपका सत्संग सुनना भी बेकार है। जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। हम जो चीज देते हैं वही चीज हमको लौट करके मिलता है। आज से आप इस बातों को दिल दिमाग में बिठा करके रख लीजिएगा। जो चीज आप देंगे वही चीज लौट करके आपको मिलेगा। इसलिए आप किसी को गाली मत दीजिए, आप किसी की निंदा चुगली मत करिए, आप किसी के बारे में तू-तू मैं मत करिए, नहीं तो आपके बारे में भी वही होगी, आपके बारे में भी वही होगी। अपने कर्मों को सुधारिए, भगवान के भरोसे मत बैठे रहिए। यदि आपका कर्म अच्छा है
तो आपके सब साथ देंगे। आपका मन अच्छा है तो सब साथ देंगे, और यदि आपका मन सही नहीं है तो जिंदा वेस्ता बाइबिल कुरान महाभारत रामायण कबीर बीजा कुछ भी काम नहीं आएगा। भाई माता पिता कुछ भी काम नहीं आएगा। और मन सही है तो भाई काम आएंगे, माँ बाप काम आएंगे, देरान जिठान काम आएंगे, सास ससुर काम आएंगे। रामायण महाभारत जिंदा वेस्ता वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सारे चीज काम आएंगे आपके। और मन खराब है तो कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए आप अपने कर्मों को सुधारिए। कर्मों को नहीं सुधारेंगे तो कुछ भी काम नहीं देने वाले हैं। और कर्म सही करते जाते हैं तो वही चीज आपको लौट के मिलता है। एक उदाहरण बताऊं मैं, यदि आपने अपने जीवन में कटु बोया है तो आपको कटु ही मिलेगा, अच्छाई नहीं मिल सकती है। यदि आपने अपने जीवन में प्रेम बोया है तो प्रेम मिलेगा। यदि आप अभी अपने खेतों में मक्का लगाए हैं तो मक्का ही काटेंगे, धान नहीं काट सकते आप, गेहूं नहीं काट सकते आप, मक्का लगा करके मक्का ही काट सकते हैं। वैसे ही जीवन में यदि प्रेम बोते हैं तो आप प्रेम काटते हैं। आपस का एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव बोते हैं तो समर्पण काटते हैं, और ये चीज नहीं बोते हैं तो चीज नहीं काटते हैं। आप चाहेंगे कि मैं मक्का बोऊं और मैं गन्ना काट लूं, ये नहीं हो सकता है, ये नामुमकिन है, कभी नहीं हो सकता है। आपके जीवन में जो आज मिलता है आपको, आपके जीवन में दुख मिलता है तो आपने वो दुख बोया है, कहीं ना कहीं वो दुख बोया है, कहीं ना कहीं वो दुख रूपी बीज को सिंचित किया है आपने, वही उभर करके आपको मिलता है। और याद रखिएगा, यदि आप आज एक बीज डालते हैं तो उसका कई गुना बीज आपको मिलता है। यदि आप आज एक दुख बोते हैं परिवार के साथ में, अपने घर के सदस्यों के साथ में, पड़ोसी के साथ में, वो कई गुना होकर के वो दुख आपको मिलेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप दुख मत बोइए, किसी को गाली मत दीजिए, किसी की निंदा चुगली मत करिए, अपने जीवन को बर्बाद मत करिए। आप सत्संग का मतलब यही है, जीवन सत्संग यही है, जीवन परिवर्तन केंद्र। यदि आपने सत्संग में आकर के जीवन को परिवर्तन नहीं किया तो और कहां बदल सकते हैं? जहां बदलना चाहिए, जहां परिवर्तन करना चाहिए, वहां परिवर्तन नहीं करेंगे तो और कहां परिवर्तन करेंगे? आदमी की मान और सम्मान की चाहना, तृष्णा, इच्छा, कामना, ये आदमी को बर्बाद कर देती है। हम जीवन को नहीं बदलना चाहते हैं, ऊंचा पद चाहते हैं, ऊंचा स्थान चाहते हैं, हम जीवन को नहीं बदलना चाहते हैं। बस बातों से हम अपनी अच्छी बात कह देते हैं, क्या इससे हमारा विकास हो जाएगा? क्या इतना ही हमारा विकास है? ये चीज नहीं होना चाहिए। आपके बिहार में एक चीज देखता हूं मैं कि जैसे कहीं भी प्रोग्राम होता है, मंची प्रोग्राम होता है, बड़े गुरुजनों को बुलाए रहते हैं, बड़े संतों को बुलाए रहते हैं, वो संत नहीं आए रहते हैं, और आपके बिहार में बड़े बड़े मंच में जाकर देखते हैं कि मंच भर जा रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन बात सत्य है। यदि आपको इनवाइट नहीं किया गया है, आपको नहीं बुलाया गया है, तो उन लोगों को स्थान दीजिए जिन लोगों को बुलाया गया है, उन लोगों के लिए वह स्थान है। आपके लिए व्यवस्था कुछ और किया गया है, आप कुछ व्यवस्था और करेंगे तो चीज आप क्या मंच में बैठने से हमको सम्मान मिल जाएगा? नहीं, कभी नहीं। चाहे कौवा कितना ही आकाश पे उड़ जाए, कौवा के आकाश में उड़ने से उनको सम्मान नहीं मिलता है, सम्मान उनके व्यवहार से मिलता है। वैसे ही हमारे जीवन में होता है, व्यवस्थापकों को सुविधा हो इस हिसाब से। आप याद रखिएगा, यदि हम ऊंची जगह पर बैठते हैं और जीवन और आचरण हमारा अच्छा नहीं है, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, तो आपके बच्चे ही आपसे प्यार नहीं करेंगे। आपके बच्चे को शर्म महसूस होगा, मेरे पापा तो है लेकिन बड़े मंच पे बैठते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जीवन तो एकदम शिथिल पड़ा हुआ है। इसलिए आप जो चाहते हैं वो करना शुरू कर दीजिए। आप अपने कर्मों को सुधारिए। आप जो कहते हैं वही मिलता है आपको, लौट कर वही लौट करके मिलता है। आपस में दो बच्चे एक दूसरे एक खिलौना के लिए लड़ रहे थे, खिलौना के लिए लड़ रहे थे। छोटा बच्चा चाहता था ये मुझे चाहिए, बड़ा कहता था ये मुझे चाहिए। लेकिन वहीं पर थोड़ा देर बाद में बड़े बच्चे को समझदारी आती है, और समझदारी आती है वो खिलौना छोड़ देता है। वो छोटा बच्चा वो खिलौना खेलता है,
दस मिनट से 15 मिनट वो खिलौना खेलता है, फिर वो खिलौना छोड़ देता है, वो खिलौना बड़े बच्चे को मिल जाता है। यदि हम जो चीज चाहते हैं धैर्य रखें, कर्मों को सही करें, तो वो चीज मिल जाएगा। मैंने बीच में कहा ये जितने देवी देवता है ना, ये खिलौना है। आपको बुरा लग रही होगी बातें, लेकिन खिलौना इसलिए है, जब चाहे हम दुकान खोल देते हैं और जब चाहे हम दुकान बंद कर देते हैं। कैसे बताऊं, जब पूरे भारत देश में कोरोना महामारी का तांडव मचा हुआ था, जब मौत की लाश लाशें गिर रही थी, हर रोज हर गांव से लाश निकल रही थी, तब सारे भगवान के देवी और देवता के दरवाजे बंद थे। कहां गए उस समय आपके भगवान, मैं एक प्रश्न करता हूं, कहां गए उस समय आपके देवी देवता, कहां गए यहां पर ताबीज बांधने वाले, ताबीज देने वाले कहां गए, कहां गए गले पर बांधते हैं ताबीज, वो कहां गए सारे देवी देवता, छिप गए। ये बिजनेस है, आप याद रखिएगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। अपने बाहों बल पर भरोसा रखिए, अपने बुलंदियों पर भरोसा रखिए, अपने कर्मों पर भरोसा रखिए। अगर आपका कर्म सही नहीं है तो आपका कोई साथ नहीं देंगे। राजा दशरथ के 3-4 पुत्र थे और बड़े योग्य से योग्य पुत्र थे, योग्यता में कोई कमी नहीं थी चारों दशरथ राजा दशरथ के पुत्रों में। लेकिन जब बुढ़ापा की स्थिति आती है तो तड़प तड़प करके मिलते हैं, उनको एक भी बेटा एक गिलास पानी देने वाले नहीं रहते हैं। कर्म ही खराब है तो कौन कर उसका, उसका जिसे हम राजा दशरथ कहते हैं, उसका भगवान जैसे पुत्र हुए, चारों पुत्र योग्य पुत्र हुए, लेकिन कोई काम दिए। आपका कर्म खराब रहेगा तो आज हम कहीं बैठ जाए, कहीं बात कर ले, कुछ भी कर ले, कोई साथ देने वाला नहीं है। याद रखिएगा, अपने कर्मों को सुधारते जाइए, अपने वाणी को सुधारते जाइए, प्रेम से बोलना सीखिए। यदि बोल, मैं कल भी कहा था कि बोलने की कला नहीं आई आपको जीवन में, तो आपसे बढ़कर दरिद्र आदमी कोई नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी कला है जीवन जीने की कला, लेकिन शुरुआत करिए बोलने की कला। और बोलने की कला आपके जीवन में नहीं आया तो क्या सीखिए आपने सत्संग में, क्या पाया आपने सत्संग में, क्या जीवन में मिला आपको। इसलिए बोलने की कला सीखिए, आपस का प्रेम। यदि आपके घर में प्रेम नहीं है, प्रेम का माहौल तैयार नहीं हो रहा है, तो आप बच्चे को उच्च शिक्षा और उच्च संस्कार नहीं दे सकते हैं। आपके बच्चे आपको पूछे कि आप गले में ताबीज पहने हो, हाथों में ताबीज पहने हो, उससे क्या होता है, आप क्या उत्तर देंगे, सही उत्तर नहीं दे सकते आप। और यदि उसके भरोसे आप बैठे रहें, तो मैं पूछता हूं ताबीज देने वाले को कि वो क्या आपके कर्मों को सुधार पाएंगे। आपके कर्मों को आपको सुधारना है। आप किसी के लिए गलत मत सोचिए, थोड़ा भी गलत मत सोचिए, गलत सोचेंगे तो आपको वही चीज लौट करके मिलता है। एक घटना बताऊं मैं, एक बुढ़िया माँ अपने घर में बैठी थी और उधर से एक आवाज आई, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है की आवाज आ रही थी। बुढ़िया में घर में बैठी थी और बैठ सोफा में बैठी थी, आवाज आने पर पे आवाज आने के बाद खड़े हो गई और खिड़की से देख रही है, खिड़की से देख रही। इतने में उनके बहू बोलती है, बुढ़िया क्या देख रही हो, अर्थी जा रही है, राम नाम सत्य बोल रहे हैं, तुम्हारे भी अर्थी कब निकलेगी। इतने उनके बहू तेज तर्रार बोलती है, संयोग ऐसा होता क्या है। और बेचारी बुढ़िया माँ चुप हो जाती है। और होता क्या है कि शाम को भोजन बनाते वक्त गैस लीकेज हो जाता है, और गैस लीकेज होने के बाद में उस किचन में आग लग जाती है, और वहाँ आग लगने पर में उसकी बहू झुलस जाती है और झुलस करके मर जाती है। जो बहू कहती थी तुम्हारे अर्थी कब निकलेगी, उसके कहने से कहते कह रही थी अपने बुढ़िया माँ के लिए, लेकिन संयोग ऐसे कि कहने वाले की अर्थी निकल गई। आप किसी को गलत बोलते हैं मतलब अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप सबसे करवदर प्रार्थना है, बोलने की कला सीखिए, और आप जो चीज देते हैं वही चीज आपको लौट करके मिलता है। इसलिए आप किसी को गाली निंदा चुगली, आप किसी के बारे में गलत मत सोचिए, तो आपका भी जीवन सुंदर बनेगा। यही सत्संग का फल है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव।